दो क्वेश्चंस आए हुए हैं क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो वो क्वेश्चंस एक बच्चा तुषार का है और एक बच्चा प्रिंस का है, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि फंसने वाला क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वही में कुछ बात होती है। जो क्वेश्चंस अगर आपसे बन जाते हैं तो लगभग एवरेज बच्चों से बन जाते हैं, तो इसीलिए जो भी बच्चों का डाउट्स वाले क्वेश्चन हो अगर वो हम लेते हैं तो उसे पक्का आप देखें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 4 है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यू टू सम फ्लूट्स सम वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, फ्लूट आ गया है, बाढ़ आ गई है, और बाढ़ जब आता है तो वहाँ पे बचाव कार्य करने के लिए कुछ एसोसिएशन वर्क करते हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षा देने, खाना पीना देने, रहने की व्यवस्था देने के लिए। तो यहाँ पे कहानी है कि जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि 100 टेंट हमें तुरंत हमें वहाँ पे लगाना है, एकदम ज़रूरी है, ताकि वहाँ के लोग को, बाढ़ पीड़ित को सुरक्षा दिया जा सके, एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। और 50% कॉस्ट जो है वो 100 टेंट लगाने में जो खर्चा हो रही है उसे 50% वहाँ पे लगाने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रही है सरकार को, ठीक है ना। एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट, 50% जो कॉस्ट है उस टेंट का पूरा लगाने का, उसका 50% आप हमें दीजिए, है ना। कह रहा है कि इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर विद द कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम डायमीटर बट हाइट 2.8 मीटर एंड कैनवास टू बी यूज कॉस्ट ₹100 per square meter। यानी कि कहानी क्या है, पहले तो टेंट किस तरह का है ये पूछा जा रहा है, पहले बताया जा रहा है। तो टेंट किस तरह का होता है, बड़ा बड़ा टेंट, तो इन्होंने बहुत तरह का टेंट होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि टेंट जो है वो उसका लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है, क्या है, सिलेंड्रिकल है, यानी गोल, और ऊपर एक कोनिकल है, आप बगल में फिगर देख सकते हो, तो ऐसा भी टेंट आप देखे हो। अब इसका जो फॉर्म है वो जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है जो आप देख रहे हो, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म आपका कुछ इस तरह का है, और उसके ऊपर एक कोनिकल टेंट है। और इन्होंने बोला कि ये जो मतलब एक और बात, जो कैनवास बन रहा है, कपड़ा जो लग रही है वो कहाँ लग रही होगी, आप सोच के देखो कपड़ा कहाँ लग रही होगी, यही पार्ट पे लग रहा होगा और एक कोनिकल पार्ट पे लग रहा होगा ऊपर, क्या नीचे फर्श पे लग रहा होगा, नहीं, फर्श तो ऐसे ही रहता है। तो कपड़ा जो खर्च हो रही है उसको भी दिमाग में रखना है कि कैनवास जो है वो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और कोनिकल का कर्व सर्फेस एरिया है। अब इन्होंने बोल रखा है कि डायमीटर दोनों का सेम है, और डायमीटर जो रेडियस है दोनों का सेम है, कोन का भी और इसका भी, तो इसका रेडियस कितना है, अगर डायमीटर 4.2 मीटर है तो रेडियस तुम्हारा 2.1 मीटर हो जाएगा, और जो कोन है, कोन नहीं, ये जो सिलेंडर है उसका हाइट को तुम H1 मान लो, तो ये जो H1 है इसका वैल्यू दिया है 4 मीटर। फिर ये जो हाइट है इसकी लेंथ हमें दी हुई है H2 मान लो, है ना, क्या मान लो, H2, और इसका वैल्यू हमें दिया है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है, और डायमीटर कोन का सेम है, ठीक है जी, और 100 टेंट बनाना है। तो सोचो कि अगर हमको 100 टेंट में कपड़ा लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेंट में कितना कपड़ा लग रहा है वो निकाल लेते हैं, और यदि एक टेंट में कपड़ों की संख्या अगर हमको पता चल जाएगी, तो संख्या नहीं एक्चुअली कपड़ा कितनी लग रही है पता चल जाएगी, तो 100 टेंट बनाना है हमें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 टेंट का कपड़ा निकल जाएगा, और एक टेंट का सॉरी एक मीटर स्क्वायर का इन्होंने चार्ज रखा है ₹100, तो कितना मीटर स्क्वायर जो आएगा उतना इंटू 100 कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ₹100 per meter square चार्ज ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ₹100 per square meter जो भी कैनवास का कपड़ा यूज हो रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर इच पार्ट, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर इच पार्ट, प्रत्येक पार्ट के लिए, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ कोन। तो अब CSA ऑफ सिलेंडर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, H की जगह हमको H1 लिखना होगा क्योंकि सिलेंडर का H को हम H1 माने, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL, तो यहाँ L तो हमें निकालना पड़ेगा, तो L कैसे निकालें, तो L का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो H यहाँ पे कौन काम कर रहा है, H2, तो R का वैल्यू कितना है, वो तो 2.1 ही है, तो 2.1 का होल स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 2.8 है, तो 2.8 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब
2.1 का होल स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 और 0.2 के बाद पहले, और प्लस 28 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64 को 4 हाथ में लगा 6, ठीक है ना, और 8 दुना के 16 32 और 32 और 6 हो जाएगा 38, हाथ में लगा 3, 2 दुना के 4 3 7, यानी कि 2 अंक पहले दशमलव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 7.84। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12.12 आपका 25, ठीक है जी। अब इसका बाहर कैसे निकालें, तो बाहर निकालने का एक तरीका ये है, देखो बाहर निकालने का एक तरीका है कि ये 12.25 लिख दो और बाई 100 लिख दो पॉइंट के लिए, तो 100 से बाहर 10 आ जाएगा और 12.25 से बाहर निकालना है, तो सोचो कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो अगर तुम मान लो 30 का स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, 3 3 9 तो 900 होगा, तो 900 से तो ये 1225 ज़्यादा है, तो 40 का स्क्वायर करके देखो, ये तरीका होता है कि किसका एक्चुअली स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 हो जाएगा, अब 1600 और 900 के बीच में 1225 आता है, तो अगर ये 25 देख रहे हो तो तुम 35 को सोच के देखो, क्योंकि 50-25 वही आएगा, तो 35 का स्क्वायर करोगे तो ये 50-25, क्योंकि 35 का गुना कैसे किया जाता है, 50-25 और ये एक बढ़ा दिया जाता है, 4 3 12, तो 1225 मैच कर गया, यानी कि ऊपर से बाहर आएगा 35 और 10 नीचे है, यानी कि 3.5 है ना, क्योंकि एल स्क्वायर का वैल्यू ये था, तो एल के वैल्यू के लिए अंडर रूट लेना ही पड़ेगा, तो एल हो गया तुम्हारा 3.5, तो सब मिटा के, सारी कहानी मिटा के आप एल का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3.5, क्या लिख सकते हैं, एल का वैल्यू 3.5 मीटर। अब वैल्यूज को रखना है तो आप क्या हो जाएगा, 2 पाई का वैल्यू इन्होंने क्या बोल रखा है लेने के लिए, तो जब अगर पाई का वैल्यू इन्होंने नहीं बोल रखा है कुछ भी, तो हम लोग 22/7 ले लेंगे, तो 22/7 रेडियस तुम्हारा 2.1, ठीक है, इनटू H1 का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 4, क्योंकि ये है हमारा H1 किसका, सिलेंडर का, प्लस पाई का वैल्यू फिर से 22/7, फिर रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू फिर से 2.1 और इनटू L का वैल्यू 3.5, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 7 3 21 यानी कि 0.3, फिर ये हो जाएगा 7 3 21 यानी कि 0.3, अब गुना करना बाकी है, तो 22 2 के 44 हो गया और 4 3 के 12 हो गया, तो गुना में 1.2 हुआ, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 22 में 3 का करोगे तो 66 हो गया यानी कि 6.6, अब गुना 3.5, अब गुना करना है आपको 44 में 12 का, तो 12 4 के 48 और 12 4 के 48 और 4 48 और 4 52 और 1 अंक के बाद 0.5, फिर प्लस में है ना, ये कितना हो गया है 66 और 35, तो 66 और 35 का एक लाइन में गुना करने आपको आना चाहिए, ये रूल है, 6 5 30 को 0 हाथ में लगा 3, 6 5 30 6 3 18, तो 30 और 18 48 और 3 51 को 1 हाथ में लगा 5, ठीक है, और 6 3 18 और 5 23 यानी 2 अंक के बाद 0.5, यानी कि आप ये लिख सकते हो 23.1 ही लिखो, 0 छोड़ दो क्योंकि इसमें भी 1 ही अंक के बाद 0.5 है, तब ये 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 और 5 7 हो जाएगा, यानी कि 75.9 मीटर स्क्वायर है ना, यानी कि जो प्रत्येक कैनवास में कपड़ा लगेगा वो आपका लगेगा 75.9 मीटर स्क्वायर, तो तुमको कितना कपड़ा करना है ना, 100 टेंट बनाना है, तो आप अब क्या लिखोगे आगे, अब आगे लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं आप, क्योंकि ये इंच कैनवास का कपड़ा लग रहा था, है ना, इंच कैनवास का, ठीक है जी, तो अगर इंच कैनवास का लग रहा था तो अगला हम लिखेंगे कि टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर 100 टेंट्स, तो 100 अगर टेंट लगाना है तो 100 से गुना कर दो, क्योंकि एक टेंट में अगर इतना मीटर स्क्वायर लगा है तो 100 टेंट के लिए 100 से गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है जी, जो भी होगा, तो ये हो जाएगा 75.90 मीटर स्क्वायर। अब इतना टोटल कपड़ा लगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि 100 टेंट जो लग रहा है, ध्यान से सुनना, 100 टेंट जो लग रहा है उसमें जो कपड़ा का कीमत लग रहा है, ये तो टोटल कपड़ा निकल गया कि इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, लेकिन कीमत जो लग रहा है वो इच पार्ट मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपीज लग रहा है, तो अब अगला हम लिख देंगे कि अमाउंट टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द 100 टेंट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द 100 टेंट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 100 × 75.90 यानी कितना हो जाएगा 7590 और फिर 2 0 और, ठीक है। अब देखो ये तो टोटल रुपया हो गया तुम्हारा, अब अमाउंट टू बी पेड बाय एसोसिएशन, हमें यही निकालना था, क्वेश्चन ने यही बोला था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एसोसिएशन विल हैव टू पे, एसोसिएशन को कितना पेड करना पड़ेगा, तो सरकार अगर 50% दे रही है, पेड कर रही है, तो 50% निश्चित रूप से एसोसिएशन को ही देना पड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो यहाँ पे अब हम लोग अगला लिखेंगे कि अमाउंट टू बी पेड बाय द एसोसिएशन, अमाउंट टू बी पेड बाय द एसोसिएशन इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल कॉस्ट,
है ना, यानी कि रुपीस कितना 7,59,000। तो ये हो जाएगा 50/100 और गुने 75/ ये जो भी है, तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 5×7,59,000। अब 5 का गुना तो तुम्हें आता ही होगा, तो 5 का गुना कर लोगे तो ये रुपया आ जाएगा 37,95,000। कितना रुपया अमाउंट जो है वो पेड करना पड़ेगा किस चीज़ को, एसोसिएशन को। कह रहा है कि क्या वैल्यू शो कर रहा है ना, वॉट वैल्यूज आर शोन बाई दिस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के द्वारा क्या वैल्यू दिख रहा है, मतलब जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो क्या दिख रहा है। ठीक है कि पहला आप लिख देना कि हेल्प द पीपल इन नीड, जो ज़रूरत में लोग होते हैं उनका हेल्प करना चाहिए। डोनेट अ पार्ट ऑफ आवर इनकम टू चैरिटी, जो चैरिटी होती है देश का सेवा करने के लिए बहुत सारी चैरिटी चलती है, अपने इनकम का कुछ उसमें दान देना चाहिए हम लोगों को, ताकि कभी अगर मुसीबत पड़ जाए ऐसे लोगों को जो बाढ़ में पड़ गए या कहीं पे आंधी आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो उनके पास कुछ इनकम रहे ताकि वो तुरंत वहाँ पे जाए इमीडिएटली और उनका सुरक्षा कर सके, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और तीसरा है कि ज्वाइन हैंड्स टुगेदर फॉर अ नोबल कॉज लाइक कम्युनिटी सर्विस, तो जब पूरा विश्व के रूप में अगर कोई प्रॉब्लम पड़े तो हम लोग एकदम एक साथ आए। ठीक है ना, ये कहानी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो बच्चा का था।